बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में शायद हर भारतीय जानता हो। इस यूनिवर्सिटी ने कई नोटेबल एलुमनाई दिए हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन, भूपेन हजारिका, मनोज तिवारी, मनीषा कोइराला, कई सारे पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित लोग इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में उत्तर प्रदेश के फेमस शहर, जैसा कि नाम जाहिर करता है, बनारस यानी कि वाराणसी में हुई थी। ये एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और NIRF 2022 रैंकिंग्स में यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी को मिला था छठा स्थान। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं शिक्षा.com। शिक्षा.com के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में और देखेंगे कि स्टूडेंट्स का इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना है, वो क्या कहते हैं यहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए देखते रहिए इस वीडियो को। BHU का कैंपस लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ है और स्टूडेंट के रिव्यूज के हिसाब से इस कैंपस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक स्टूडेंट को सर्वाइवल के लिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में चाहिए होती हैं। BHU का मेन कैंपस गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और BHU में लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन यहाँ की लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह वेल मेंटेन्ड हैं और एयर कंडीशन भी हैं। कैंपस में वाईफाई है और सेंट्रल लाइब्रेरी खासतौर पर काफी अच्छी है। यहाँ पर काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद अधिकतर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जगह पा जाते हैं। कॉलेज में पढ़ते समय आपको जो किताबें चाहिए वो अधिकतर किताबें आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, इसलिए आपको किताबों पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल रहती हैं। बॉयज के लिए जहां पर 41 हॉस्टल्स हैं, वहीं पर गर्ल्स के लिए भी 21 हॉस्टल्स अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रहने की अलग व्यवस्था है। हॉस्टल का रूम 3 स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किया जाता है, जो कि उतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि रूम का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है। मेस के खाने की क्वालिटी एवरेज है, लेकिन खाने में वैरायटी आपको अवेलेबल रहती है और हॉस्टल सुबह 3-4 बजे तक खुला रहता है। 2022 प्लेसमेंट्स का ऑफिशियल डेटा BHU ने रिलीज अभी नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन कई सोर्सेज हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पर एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा। आइए देखते हैं इन्हीं ट्रेंड्स पर। तो BHU MBA प्रोग्राम की एवरेज प्लेसमेंट वॉज 9.7 लाख पर एनम। बात करें बीटेक की तो यहाँ पर दी एवरेज प्लेसमेंट वॉज ऑफ रुपीज 30.55 लाख रुपीज पर एनम। हाईएस्ट बहुत ही बड़ा फिगर है, 2.05 करोड़ रुपीज पर एनम, जो कि मिला है एक बीटेक स्टूडेंट को। इफ वी सी द कोर्स वाइज मीडियन पैकेजेस ऑफ प्लेसमेंट्स फॉर BHU स्टूडेंट्स इन 2021, यूजी 3 ईयर कोर्सेज प्लेसमेंट स्टूड एट रुपीज 7 लाख पर एनम, यूजी 4 ईयर कोर्सेज स्टूड एट रुपीज 6.5 लाख पर एनम, यूजी 5 ईयर कोर्सेज स्टूड एट रुपीज 11 लाख पर एनम। थोड़ा सा आप ये गौर करिएगा कि बीटेक में एवरेज पैकेज वाज अराउंड 30 लाख रुपीज और यहां पे 11 लाख के अराउंड है। कहीं ना कहीं बीटेक कोर्सेज के प्लेसमेंट्स का भी इस ओवरऑल मीडियन प्लेसमेंट फिगर पर इंपैक्ट नजर आता है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं शिक्षा.com। Out of the total 183 students, 174 students participated in the placements and 169 students were placed during BHU MBA placements of 2022. Internships and industry projects are offered during the first year only, and interestingly, a vast majority of BHU students opt for higher studies. Faculty के बारे में students का कहना है कि यहाँ की faculty काफी experienced और knowledgeable है, लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज काफी है इसलिए फैकल्टी बहुत ही सीरियस पढ़ाई कराती है। टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना अगर आप पास करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टूडेंट्स के हिसाब से इंडस्ट्री विजिट्स कम है और वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री विजिट्स को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और बढ़ाए ताकि बच्चों को और एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री रेडी होने का मौका मिले। शिक्षा.com पर स्टूडेंट्स ने फैकल्टी को 5 में से 4.2 स्टार्स की रेटिंग दी है। BHU की एक चीज बड़ी फेमस है और जिसके लिए BHU का हर स्टूडेंट एक राय रहता है, और वो है यहाँ की कैंपस लाइफ, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। कहते हैं कि कुछ तो कुछ इवेंट रेगुलरली कैंपस में होते रहते हैं। स्पंदन यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्ट है, इसके अलावा एन इंटर फैकल्टी यूनिवर्सिटी फेस्ट इज कंडक्टेड एवरी ईयर विद वेरियस कॉन्टेस्ट एंड कॉम्पिटिशंस टेकिंग प्लेस फॉर ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ टैलेंट। एन इवेंट काशी यात्रा इज अ ग्रेट इवेंट, इट हैज म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, सब कुछ होता है। और एक और बात, यहाँ के स्टूडेंट्स बताते हैं कि अटेंडेंस का यूनिवर्सिटी में ज्यादा लफड़ा नहीं है, और वहीं स्टूडेंट्स ये भी बताते हैं कि कुछ सालों से यहाँ पर पॉलिटिक्स कैंपस के अंदर कुछ ज्यादा ही घुसती जा रही है।
जिसके कारण यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्ट्राइक्स होती हैं। हाउएवर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स कि वो इन तरह के प्रोटेस्ट को स्टूडेंट प्रोटेस्ट को रेगुलरली कंट्रोल करते रहते हैं। शिक्षा.com पर स्टूडेंट्स ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 4.2 स्टार्स दिए हैं, जिसमें से प्लेसमेंट्स को मिले हैं 3.8 स्टार्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को 4.1, कैंपस लाइफ को 4.5 स्टार्स एंड वैल्यू फॉर मनी को 4.6 स्टार्स मिले हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी और एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ही प्राइड और फक्र के साथ कहते हैं कि मैं BHU का स्टूडेंट हूं। अगर आप यहां की चॉइस करना चाहते हैं, यहां पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये रिव्यू हमें जरूर बताइएगा, अपने कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कॉलेज का रिव्यू करूं तो वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।